ओम शांति। आज 21 अगस्त 2020 बाप दादा की साकार मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है कि तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। तो कई बच्चों में अहंकार आता है, देखिए कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी, बड़ी बहन चली गई तो रूट कर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघ्न। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को मत देखो, बाप की याद में रहकर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। तो आज बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता, ये रूहानी बाप है, उनके ढेर बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं कि अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, तो ये भी खुशी की बात है ना। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं और ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम ही तो हैं। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ पुरुष होते हैं, है ना। आदि में क्या है? आदि में उत्तम, फिर बीच में मध्यम और अंत में कनिष्ठ। तो हर चीज के साथ तो यही होता है ना, हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती जाती है। तो दुनिया का भी कुछ ऐसा ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे भी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। तो बाप कहते हैं कि इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, ये बातें समझाने वाला बड़ा कोई अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम ही बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना नहीं आता ना, भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं, और इस समय तो है ही 16 कला संपूर्ण, तो वो तो कोई बन ही नहीं सकता इस वक्त, है ना। लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं, है ना। हर किसी का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एक जैसा नहीं होता। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे, उस पर तुम समझा सकते हो कि जो प्रीत बुद्धि है वो विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वो विनशंती हो जाते हैं। तो इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते हैं। कोई कर ही क्या सकता है, है ना। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। तो बाबा राय देते हैं कि चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप ही तो जानते हैं ना, क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। विकारी दृष्टि की बाबा बात कह रहे हैं, लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल ठीक बात है। ये दुनिया बहुत तमोप्रधान है, दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते ही जाते हैं। वो तो ये समझते हैं ना कि कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, यानी घुटनों के बल चल रहा है, अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं कि ये महाभारत लड़ाई का ही समय प्रतीत होता है ना। तो जरूर भगवान कोई रूप में तो होगा, रूप बताते तो नहीं है, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है और रथ तो आत्मा का अपना ही होगा ना, उसमें आकर प्रवेश करेंगे तो उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, है ना। लेकिन देखिए आगे बाबा कहते, लेकिन कभी बाबा जन्म नहीं लेता, मतलब कोई गर्व धारण करके अपना खुद का एक शरीर नहीं प्राप्त करता, है ना। बाकी वो जन्म नहीं लेते हैं, इनके ही बाजू में बैठकर ज्ञान देते हैं। कितनी अच्छी रीति से समझाया जाता है।
त्रिमूर्ति चित्र भी है, त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, तो जरूर ये कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम लिख रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठकर फिर सब हिस्ट्री लिखते हैं, है ना। जब वो डिपार्ट हो जाते हैं, उस शरीर को छोड़ देते हैं, उनका वो लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, फिर लोग हिस्ट्री लिखना शुरू करते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर देवी देवताओं की इस प्रकार की हिस्ट्री लिखी हुई है, तो वो भी कभी होकर गए हैं, है ना। और बाबा कहते हैं फिर उन्हीं को बड़ा करके, बना करके बड़ा कर देते हैं। तो कितनी भी बड़ाई बैठकर लिखी हुई है, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बना दिया, इतना तो उसने लिखा भी नहीं, ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठकर लिख दी हैं। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए, ये तो जानते हैं कि इन आंखों से जो कुछ देखा जाता है वो सब भस्म हो जाना है, बाकी आत्मा तो यहाँ रह नहीं सकती, तो जरूर वो घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में थोड़ी बैठती हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते हो, 7-8 वर्ष में भी ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं कि माताओं का मर्तबा ऊंचा है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं, ये तो कोई भी कर सकते हैं ना, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते रहते हैं, ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, है ना, मान लो कहीं चली गई, क्लास में नहीं आते हैं, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठकर सुना सकता है ना, कहेंगे फुर्सत नहीं, ये तो अपना भी कल्याण करना है तो औरों का भी कल्याण करना है, बहुत भारी कमाई है। सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों का हीरे जैसा जन्म हो जाए, है ना। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है, वो है ही अमर लोक, बाकी पद जो है वो कम जास्ती होता रहता है। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए भाई, अब जो एनवायरमेंट है, नेचर है, अगर वो प्योर महाराजा के लिए है तो वो प्रजा के लिए भी प्योर होगा ना। अगर खान पान महाराजा अच्छा खा रहा है तो प्रजा भी अच्छा खाएगी। जैसे आज की डेट में अगर एयर पॉल्यूटेड है तो वो सबके लिए ही है ना, रोग हो रहे हैं तो सबको ही होंगे। इम्प्योर और फर्टिलाइज्ड खाना खा रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर फर्टिलाइजर्स लगे हों, तो वो तो सभी खा रहे हैं ना, तो सेम गोज फॉर सत्युग, है ना। बाकी यहाँ पर भी पद कम ज्यादा है, वहां पर भी कम और ज्यादा होगा। तो ऐसे क्यों कोई कहता है कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हो, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी, माया के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वो तो सागर है, उछले मारते रहेंगे, कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। तो ये बाप यानी ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं, ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते ना, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुनाते हैं। तो ये बुद्धि में होना चाहिए, यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा, बुद्धि में ये याद रहता है ना कि शिव बाबा हमको इसमें बैठकर पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है ना। और यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो कि शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाहर गावड़ों आदि में रहने से ये ख्याल नहीं रहेगा,
कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो ये भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय है मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है, खेती बाड़ी आदि न जाने क्या क्या याद आता रहता है, बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही ना, और जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही आठ की माला में आ सकेंगे, ज्ञान योग दैवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, देखो लालच का भी भूत होता है ना। भूत क्या करता है, असलियत को छुपाकर बाहर नेगेटिविटी को प्रत्यक्ष करता है। किसी में कहते हैं ना भूत की प्रवेशता हुई तो उनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई, है ना, भूत ने अपना जो रूप है वो सामने दिखा दिया, ऐसे ऐसी कहानियां बोलते हैं। तो बाबा विकारों को ही भूत कहता है कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है, आत्मा का जो रियल नेचर है वो गायब हो जाता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं, कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार खाना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। तो बच्चों को भी कहता हूं तुम ब्राह्मण बनकर बैठो, माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, है ना, स्वयं का दर्शन, सच्ची आत्मिक स्वरूप का दर्शन। शरीर नहीं है, रिजेक्ट करते हैं इस बात को कि शरीर नहीं है हम, है ना, वी आर नॉट बॉडीज। तो स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, ये बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु का है, ये फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझ नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं, क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसा कोई कायदा ही नहीं, वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, तो वो सुनना हरेक का हक हो जाता है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है, इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं, तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए, अब मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है ना, बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोझरा करते हैं, फिर हम ये कभी नहीं कह सकते कि हम किसी की सेवा करते हैं। प्लीज अंडरलाइन, अगर हम अकेले हैं तो हम कभी किसी का उद्धार नहीं कर सकते, परमात्मा ही करता है। हमें बस स्वयं को माया से अलग रखना है, देह अभिमान से अलग रखना है बस, और बाबा को याद करना है। बाकी सेवा वृद्धि किसी का उद्धार किसी को शांति की अनुभूति ये कार्य हमारा नहीं, ये तो स्वयं बाबा करेंगे, ये बाबा की सर्विस है ना। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं फिर कई तो घोर अंधियारे की वजह से। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बाप तो आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, तो इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने, स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, ये हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हो गए हैं, बड़ी संभाल रखनी है।
भाइयों की बहनों की संभाल रखनी है, भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान तो एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी तो सब भक्ति है। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा कहते हैं ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि मुरली, एटलीस्ट मुरली सुनते वक्त बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये भी याद की यात्रा ही है। अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। और वरदान है दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट के द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, है ना। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त है बाबा के माध्यम से हम सभी को, बाबा के द्वारा, बाबा का ज्ञान। उसके लिए एक ही स्विच चाहिए और वो एक ही स्विच के अवेयरनेस में या उस एक स्विच को पाने का नाम ही पुरुषार्थ है। कि बाकी सब बातें भूलकर एक ही बात अवेयरनेस में रहे, स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बनकर स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर लिफ्ट से कार्य में लगाओ, लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे और मेहनत समाप्त हो जाएगी। और स्लोगन है मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।